जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में देखेंगे एक बेल आइकन मिलेगा, उसको बेल आइकन को दबा देना है। इससे फ़ायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगा। कंप्यूटर सेक्शन के इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी को डिटेल से जानने के लिए ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट वन पार्ट टू इस तरह से आगे चलता जाएगा, आपको सीरियली इसको देखना है। तो पार्ट वन मैंने इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन रखा है, कुछ कैटेगरी किस तरह से होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझना चाहिए उसको रखा है, ताकि आपको बेसिक चीज़ समझ में आए और जो बेसिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इस सीरीज़ के बाद मैं इससे रिलेटेड पार्ट वन का एक क्वेश्चन डाल दूंगा कि 10 से 20 क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ, जिस तरह से मैंने ब्राउजर का डाला था, ताकि आपको एक नॉलेज मिल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर हम दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं माय ऑनेस्ट हेल्प। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हेडिंग यहाँ पे रखा है हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। पहले हमें ये जानना होगा कि कितने तरह के मेमोरी कंप्यूटर के अंदर में होते हैं। चलिए मैं आपको एक डायग्राम की मदद से पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा डायग्राम, आप देख सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी जो है मेनली इसको दो पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को फर्दर दो भागे बांटा गया है, रैम और रोम, और उसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी को फिर दो भाग में बांट दिया गया है, सीक्वेंशियल और रैंडम। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के बारे में, कि प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे। प्राइमरी मेमोरी उन सारी मेमोरी को कहते हैं जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर जो करंट ऑपरेशन होता है, जो कुछ काम चलता रहता है उसको करने के लिए करते हैं, या तो फिर वो डेडिकेटेड होता है मेमोरी उस कंप्यूटर के लिए। अगर वो मेमोरी हम निकाल देंगे तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, उसको बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी जो होता है वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल कहने का मतलब वो जो डेटा में स्टोर करते हैं वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पररी होता है, तब तक रहेगा जब तक पावर ऑन रहेगा। जैसे पावर ऑफ हो गया उसमें जितना भी डेटा आप रखे थे सारा ख़त्म हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी का वोलाटाइल मेमोरी नहीं है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसमें जो भी डेटा रखेंगे वो हमेशा के लिए आपका सेव रहेगा, बशर्ते इसको डैमेज नहीं करना है। चलिए इसी पार्ट को आगे हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। पहला जो हमने रखा है प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी को जो मेन मकसद होता है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और टेम्पररी ये परमानेंट नहीं होता है, इसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी हम लोग डेटा इन्फॉर्मेशन रखते हैं वो कुछ समय के लिए होता है। जैसे पावर ऑफ होगा तो कंप्यूटर को शटडाउन करेंगे तो जो भी डेटा आपने रखा था वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, जिस डिवाइस से बनकर होता है, वो इसका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस से मिलकर बना होता है, और ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इसका मेमोरी जो बनता है वो उतना फास्ट नहीं होता जितना कि रजिस्टर का होता है। हम रजिस्टर के बारे में जो अगला पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे आपसे। आपको इतना याद रखना है कि ये जो मेमोरी होता है वो फास्ट होता है, लेकिन रजिस्टर वाला मेमोरी से ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। इसको दो भाग में बांट दिया गया, जैसे कि मैंने फिगर में आपको दिखा दिया था, रैम और रोम। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, रोम को रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सेमीकंडक्टर से बना होता है, इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ये यूजुअली वोलाटाइल होते हैं, मतलब पावर ऑन है तब तक इसमें डेटा है, ऑफ हो गया तो जो भी डेटा था वो ख़त्म हो गया। ये मेन वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर का, अगर इसको निकाल दिया जाएगा तो कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको ये पॉइंट याद रखना है, ये मेन वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर का। और ये जो मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होता है, बहुत फास्ट काम करता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। हम रजिस्टर से कंपेरिजन इसका नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर से ये स्लो होता है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से ये फास्ट होता है। कोई भी कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी का रन नहीं कर सकता है, जो मैं आपको पहले बता दिया था। ये कुछ बेसिक्स इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे मेमोरी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहचान करा देता हूँ कि मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी किस तरह के होते हैं, इसको कैसे पहचान करेंगे। अगर आपके सामने रख दिया जाएगा कि ये मेन मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी की सेकेंडरी मेमोरी, तब कैसे पहचान करेंगे।
पहला एग्जांपल देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं आप आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अंदर में माउंट किया होता है इसको, ये प्राइमरी मेमोरी है जिसको आप रैम के नाम से बोलते हैं, सब जानते हैं इसको। चलिए एक और एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, देख सकते हैं ये जनरली अभी जो DDR3 आ गया, DDR2, DDR4, उसके बाद जितने भी सीरीज चलता जा रहा है, DIMM पहले चलता था, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, अब DDR चल रहा है। ये भी रैम का एक कैटेगरी है, वर्जन बोल सकते हैं, ये भी रैम है। तो इस तरह से अगर आपको दिख रहा है, इसमें बहुत सारे चिप लगे होते हैं, आप गौर से देखेंगे जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे चिप लगे होते हैं और इन सबको मिला के रैम बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बता देते हैं, ये एक्सटर्नल मेमोरी होता है जो कि बाहर से लगाया जाता है, नहीं तो आप अंदर से भी रख सकते हैं, और इसका जो मेमोरी का जो कैपेसिटी होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत मात्रा में इसमें मेमोरी को कोई भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन वहीं रैम का बात करें तो रैम का साइज बहुत कम होता है, उसमें ज़्यादा आप डेटा स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब इसमें अगर कोई भी डेटा आज रखें आप तो हमेशा के लिए सेव रहेगा, कभी डिलीट नहीं होगा, चाहे उसे स्विच ऑफ करें, पावर ऑफ करें, ऑन करें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप उसे फिजिकली डैमेज नहीं कर दें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये जो मेमोरी है स्लोवर होता है मेन मेमोरी से। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सेकेंडरी मेमोरी का जो स्पीड होता है वो मेन मेमोरी की तुलना में थोड़ा कम होता है। इसका मेन मकसद होता है सेकेंडरी मेमोरी का कि बड़े बड़े डेटा को स्टोर करके रखना लंबे समय के लिए, नहीं तो इसका कोई यूज नहीं होता। क्योंकि अगर हमको सिर्फ काम से मतलब रहता, कुछ सेव नहीं करना होता, कुछ म्यूजिक नहीं सेव करना, वीडियो सेव नहीं करना, मूवी नहीं सेव करना है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी की कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ता, मेरे सारा काम रैम और रोम से हो जाता। क्योंकि हमें बाद में भविष्य में कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वीडियो देखना पड़ता है, म्यूजिक सुनना पड़ता है, उसको स्टोर करके रखते हैं कुछ डेटा को लिख के, तो इसके लिए हमको सेकेंडरी मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है। एक जानकारी और यहाँ जान लीजिए आप कि सेकेंडरी मेमोरी का जो कनेक्शन होता है डायरेक्ट CPU से नहीं होता है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट जो रूटीन एक बना होता है उसके थ्रू से कनेक्ट होता है CPU से। इसी के माध्यम से हम लोग अपना फ़ोन भी कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से वाया केबल से, वो इनपुट आउटपुट केबल के द्वारा से होता है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन CPU से नहीं होता, जिसके कारण से स्लो हो जाता है, जबकि रैम का डायरेक्ट कनेक्शन CPU से होता है, वो मदरबोर्ड में ही माउंट किया जाता है, उसका स्पीड ज़्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। चलिए इनका पहचान करा देते हैं कि दिखने में कैसे लगते हैं। ये जो दिख रहे हैं ऊपर में हार्ड डिस्क, ये सबको परिचित होंगे, ये रहा CD ड्राइव, CD है, CD ड्राइव नहीं है सॉरी, ये सारे एक्सटर्नल हैं, हम लोग अपने सुविधा के अनुसार से जितना हमको डेटा चाहिए होता है उसके अनुसार से इसका इस्तेमाल करते हैं। 500 GB यूज करते हैं, 1 TB यूज करते हैं, 2 TB यूज करते हैं, जिस तरह से आपको क्षमता चाहिए, जितना डेटा आपको स्टोर करना है उसके अनुसार से इसको इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और यहाँ तक कि जो हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं वो भी एक्सटर्नल डिवाइस है और ये सेकेंडरी मेमोरी है। हम लोग फ़ोन इस्तेमाल कनेक्ट कर लेते हैं, तो जब फ़ोन हम कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो फ़ोन को एज ए एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में ट्रीट करता है कंप्यूटर, ठीक है। चलिए अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसा कि हम लोग देख चुके थे कि मेन मेमोरी का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था और सेकेंडरी मेमोरी का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला ये है कि ये मैग्नेटिक मेमोरी होते हैं, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल दोनों तरह के मेमोरी होते हैं। मैग्नेटिक का उदाहरण सामने देख लीजिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं हार्ड डिस्क, ये मैग्नेटिक है, और ये जो CD देख रहे हैं ये ऑप्टिकल है, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होता है, उसके कारण से हम लोग इसके जो भी डेटा होता है इसको रीड किया जाता है। तो दो तरह के इसमें होता है, एक मैग्नेटिक और ऑप्टिकल होता है। नेक्स्ट जो है, ये ज़्यादातर बैकअप मेमोरी के रूप में काम किया जाता है। अगर कहीं आपको बैकअप लेना हो, डेटा स्टोर करना हो किसी कंपनी का, तो इतना बड़े बड़े मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो भी डेटा होता है वो एकदम परमानेंट होता है, चाहे आप कंप्यूटर को ऑन करें, ऑफ करें, कभी भी डेटा ख़त्म होने वाला नहीं जब तक आप उसे परमानेंट डिलीट नहीं करेंगे या तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, डैमेज नहीं करते। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, अब देखेंगे कि मैंने आपको मेन मेमोरी में बताया था कि कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो बिना मेन मेमोरी का रन करेगा, लेकिन बिना सेकेंडरी मेमोरी का कंप्यूटर रन कर सकता है।
और ये जो सेकेंडरी मेमोरी होता है स्लोवर होता है प्राइमरी मेमोरी से, ये भी जानकारी मैंने आपको पहले दे दिया था। ये रहा था आज का इंट्रोडक्शन, मैंने हम लोगों ने क्या क्या इसमें पढ़ा, चलिए एक बार आपको जानकारी दे देते हैं। हमने भी इसमें पढ़ लिया कंप्यूटर का मेमोरी कितने पार्ट में बांटा गया, दो पार्ट में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का करेक्टरिस्टिक्स देख लिए, सेकेंडरी मेमोरी का करेक्टरिस्टिक्स देख लिए, दोनों का डिवीजन देख लिए हम लोग कि रैम और रोम बना इसमें प्राइमरी में, सीक्वेंशियल और रैंडम बना है। नेक्स्ट पार्ट में इसी दोनों के बारे में डिस्कशन होगा कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, और उसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा सीक्वेंशियल और फिर रैंडम, ताकि पूरा डिटेल से आपको पार्ट वाइज करके बताएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाएगा। हो सकता है आज शाम तक आपको, नहीं तो कल तक इसका क्वेश्चन सेट मिल जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया अभी तक प्रीवियस ईयर में, तो कोई भी एग्जाम में मेमोरी से, ताकि आपको एक ओवर भी मिल जाए और आप सेटिस्फाई हो पाएँ कि जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक आप इसको बना सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।